तो चुनावी सफर का ये सफर हम सबको ले आया है गोरखपुर में। गोरखपुर के चुनावी हालात आप लगातार देख रहे हैं और हम आपको यहाँ की अपडेट लगातार दिखा रहे हैं। गोरखपुर शहर आपने देखा, गोरखपुर के लोगों को आपने सुना। बहुत ही खास जगह है गोरखपुर की, जिसे कहते हैं नौकायन, यही कहते हैं ना। और ये पर्यटन स्थल है, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जिनसे हम लोग ये चर्चा करते हैं कि आखिर उनका क्या मन है इस चुनाव में। भैया क्या नाम है आपका? जी अभिषेक। अभिषेक भाई आप युवा हैं, कितना पढ़े हैं? सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ DDU यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो मुकम्मल हुआ कि अभी रुका है? नहीं ये फाइनल ईयर है इस बार। फाइनल ईयर है। क्या तैयारी है ग्रेजुएशन के बाद आपकी? कुछ नौकरी वोकरी का सोचा है या कोई कारोबार व्यापार बिजनेस क्या सोचा? नहीं सर नौकरी की तैयारी तो अभी भी करता हूँ। क्या नौकरी की तैयारी आप कर रहे हैं? मतलब सर ऐसे ही स्पेसिफिक कोई तैयारी नहीं है, वन डे एग्जाम की तैयारी मैं करता हूँ रैंडमली। डी ग्रुप अभी पीछे, डी ग्रुप के लिए कुछ तैयारी की थी क्या? नहीं सर उस समय मैं एलिजिबल नहीं था। अच्छा। रेलवे ग्रुप डी का मैं फॉर्म नहीं भर पाया था उस समय। नहीं भर पाया था। और कुछ फॉर्म? वो सर थोड़ा पुराना हो गया, 2019 की वैकेंसी थी ना वो। अच्छा। तो उस समय मैं सर एलिजिबल नहीं था। एक्चुअली 2019 की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस समय कोविड था और कई सारी, माफ कीजिएगा, कई सारी चीजें ऐसी चल रही थी उस समय। तो उस समय बहुत सारे ऐसे युवा थे जिनका समय बड़े पैमाने पर बर्बाद हुआ। तो क्या आपको नहीं लगता कि उनके लिए सरकार को कुछ ये सोचना चाहिए था कि जो 2 साल ऐसे बर्बाद हुए उनकी कोई एज लिमिट या कुछ इस तरह से करते? नहीं सर एज लिमिट की तो बात चली रही है, हाई कोर्ट में भी इसका रिट डाला गया है। सर यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है इस बार आने वाली है, जिसको कहा गया था 26,000 वैकेंसी है जो, तो सर उसमें भी देखिए कुछ कहा जा रहा है कि अगर बढ़ जाती है 2 साल। सपा ने भी अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि हम लोग बढ़ाएंगे, तो देखिए सर क्या होता, अगर बढ़ जाता तो अच्छा ही है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि नौजवानों की क्या ये सोच नहीं होनी चाहिए कि सरकार को इसकी पहल करनी चाहिए थी, कोर्ट में हमें जाना पड़ रहा है? हाँ ये तो सर सही बात है, सरकार हम ही लोग के लिए है ना, युवाओं के लिए ज्यादा सरकार को सोचना चाहिए क्योंकि हम ही लोग कहीं ना कहीं देश के आगे भविष्य हैं। लेकिन एशिया में भारत ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा नौजवान वर्ग है और युवाओं वर्ग को लेकर के ही यहाँ पर मत जो है सरकार को बनाना चाहिए, लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी है रोजगार। मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप युवा हैं और ग्रेजुएट हैं, कहीं ना कहीं नौकरी की तैयारी में होंगे, इसलिए आपका ओपिनियन लेना जरूरी है कि ये बताइए 5 साल की इस सरकार में जो प्रदेश में रही है, केंद्र की बात छोड़ दीजिए, इससे आप कितना संतुष्ट है? सर संतुष्ट तो मैं तो यहाँ गोरखपुर में हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे संतुष्टि है इस बात की, लेकिन सर और अन्य जिलों की मैं बात नहीं अच्छे से बता सकता हूँ क्योंकि सर गोरखपुर में तो विकास कार्यक्रम जितने भी मतलब डाले गए थे, जितना भी मतलब योजनाओं के ऊपर काम होना था अच्छे से काम हुआ सर, और अभी भी जितने भी अच्छे तरीके से जो भी मतलब बाकी है, जितनी योजनाएं, जितनी सड़क निर्माण हो गया सर, चाहे कोई यूनिवर्सिटीज भी कई बनी सर, आयुष विश्वविद्यालय बना और एम्स भी काम सर लगभग कंप्लीट हो गया है, बाकी सर यहाँ गोरखपुर में तो अच्छा विकास हुआ है। गोरखपुर के विकास की अगर हम बात करें तो ये योगी जी का अपना खुद संसदीय क्षेत्र भी रहा है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, और यहाँ पर विकास कर रहे हैं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि बोलने लायक है। शहर में तो खास तौर से रूरल, जो रूरल की बात है वो तो हम लोग नहीं देखे हैं अभी, अर्बन में जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि काफी अच्छा काम हुआ है। तो बात हो रही थी उन मुद्दों की जिससे सरकार बनती है जी, तो देश में किसकी सरकार आनी चाहिए, एक युवा की क्या सोच? सर युवा की सोच तो यही है कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए तो सर ये सरकार उतनी नहीं कह सकते हैं कंफर्टेबल है, लेकिन जो ये जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की जो है सर, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों के लिए और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी ऐसी घोषणा किया सर। अभी देखिए राजस्थान में जो पुरानी पेंशन योजना कहीं ना कहीं लागू ही हो गई है, तो सर ये भी सरकार अगर ये सब करे तो बहुत अच्छी बात है। और सर परीक्षाओं पे तो सर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, जो सरकारी जो विभाग हैं उन पे बहुत सारे पद खाली हैं, उनको भरने का काम किया जाना चाहिए, मतलब रिक्त पदों को भरना चाहिए और नई वैकेंसीज को जो है वो जनरेट करनी चाहिए। तो ऐसे में किसे चुनेंगे? अगर मैं आपसे साफ साफ पूछूं कि किसकी सरकार आप चाहते हैं, क्या चाहता है गोरखपुर और क्या चाहता है पूर्वांचल, आपके नजरिए से क्या है पूर्वांचल की सोच? पूर्वांचल की सोच तो सर आप भी मान लीजिए कहीं ना कहीं जानते होंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ वो औद्योगिक विकास अभी कम हुआ है देखा जाए तो, लेकिन ज्यादातर करके लोग सरकारी नौकरियों पे और जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं जिन पे नियमित जो वेतन मिलता है उस पे ही ज्यादा लोग निर्भर हैं, अपने जो कहा जाता है सर वो बिजनेस स्टार्टअप में नहीं उतना आगे हैं, लेकिन सर जो वेतन वाले लोग हैं उनके लिए काम होना चाहिए, चाहे वो मतलब गैर दबे लफ्जों में कह रहे हैं कि इस सरकार का अभी नहीं है, अगली सरकार को मौका देना चाहिए जी सर। इस बार मान लीजिए मेरे कहने से तो नहीं होगा, लेकिन देखिए जनता क्या फैसला नहीं, आपके कहने से ही सब कुछ होगा, और ऐसा नहीं है एक एक करके सोच बदलती है और कहीं ना कहीं हमें किसी के प्रभाव में नहीं जीना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि सरकारें जो होती है वो जो सरकारी शैक्षणिक संस्थाएं हो या
किसी भी तरह की संस्थाएं हो, वो हमारी संस्थाएं और हमारे लिए हैं, तो वो हमारे लिए काम करती है। और अगर हमें लगता है कि वो हमारे लिए काम नहीं कर रही है तो बिल्कुल उन्हें बदल देना चाहिए। हाँ सर, ये तो बात सही है, लेकिन अब पता नहीं क्यों सरकार ऐसा क्यों ऐसा चाह रही है, लेकिन जबकि ऐसा है कि कई सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हैं वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लेकिन सरकार ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि वो मतलब सरकारी कर्मचारियों को लोग ऐसे ही देखते हैं जैसे लगता है कि सर वो लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, या मतलब सरकारी कर्मचारियों की बहुत जरूर ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम लोग रूरल एरिया से आते हैं ज्यादा करके और अर्बन पॉपुलेशन बहुत कम है इंडिया। तो सरकारी कर्मचारी कहाँ से आएंगे, सारी सरकारी संस्थाएं तो बिक रही है देश में। सर वही तो बात है, सरकारी संस्थाओं को बचाना चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि रेवेन्यू जनरेट जब कर रही है कंपनीज हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो या मतलब जो भी महारत्न कंपनीज हैं। देखिए अब इंडियन रेलवे में भी कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है, भारत पेट्रोलियम हो गया और सेल में भी कहीं ना कहीं देखने को थोड़ा बहुत मिला है, तो यही सब देखिए क्या सरकार चाहती है नहीं समझ में आ रहा है। कहने का मतलब साफ है कि युवाओं का मन परिवर्तन की तरफ है और उनका नजरिया है कि अगर उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के कोई काम, जो काम एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार करेगी उसका वो चुनाव करेंगे। और कई सारी बातें, कई सारे मुद्दों पर इस साथी से चर्चा हुई जिन्होंने खुलकर अपनी राय तक की। आप देख रहे हैं गोरखपुर से फैक्टम को, अनुरोध है कि वीडियो को लाइक शेयर कर कमेंट करें, धन्यवाद।